अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू बेबी से मैड। अच्छा जी, ये जो वीडियो है मैं इसको एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। मैं इंग्लिश में भी इंशाल्लाह इसकी वीडियो बनाऊँगी और उर्दू में भी बना रही हूँ, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है, मैंने कॉन्सेप्ट समझाना है आप लोगों को, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट थोड़ा अजीब तरीके से मैं समझाऊँगी, पर इंशाल्लाह आप लोगों को ऐसी समझ आएगी कि आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो ये वीडियो है कि जो कन्फ्यूजन रहता है राइट एम आई एंड लेफ्ट वेंट्रिकल एम आई, ठीक है। तो एम आईज दोनों तरफ हो सकते हैं, ठीक है। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, अब आपको कैसे पता चलेगा कि क्या सीन है और क्या हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं एक हार्ट, एक रफ सी ड्राइंग बनाते हैं। इसके अंदर 3 कोरोनरी वेसल्स हैं जिसको आपने ध्यान देना है। अच्छा जी, तो अभी ये हार्ट है तो इधर होती है आपकी राइट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है, और इधर होती है आपकी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। एक मैं बहुत रफ सी ड्राइंग बना रही हूँ अभी, ठीक है। ये रोटा है और एक ये पीछे जा रही होती है जिसको हम कहते हैं सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, ठीक है। अब जो आपकी लेफ्ट है वो है एंटीरियर, ठीक है। जो आपकी लेफ्ट है वो हो गई आपकी इन्फीरियर एंड ये होगी आपकी पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स वाली, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि कौन सी लीड्स ईसीजी की कॉरेस्पॉन्ड करती हैं इन डिफरेंट साइड्स को, ठीक है। अब जो इन्फीरियर लीड्स हैं वो करती हैं लीड 2, 3 एंड AVF, ठीक है। तो सिनेरियो जब आप पढ़ रहे हो गए तो ये आपको इस चीज़ का रट्टा लगाना होगा कि कौन सी लीड्स किसको करती हैं, ठीक है। मैं इंशाल्लाह इसकी भी वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अभी हम अंडरस्टैंड करने हमने कॉन्सेप्ट बनाना, ठीक है। अब आपको ये चीज़ समझ आ गई है, ठीक है। सिनेरियो से पहले आपने फ़ौरन पिकअप कर लेना है कि क्या ये राइट साइड का या लेफ़्ट साइड का। अगर आपको लीड्स के थ्रू नहीं पिकअप हो रहा तो इसका एक और भी तरीका मैं आपको बताती हूँ जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट में समझाना चाहता है रफ। तो यहाँ मैं लंग्स बना रही हूँ, इट्स अ वेरी बैड ड्राइंग, बट कॉन्सेप्ट बनाना है, आर्ट नहीं बनाना, ठीक है। अच्छा, अब आपको इमेजिन करना है कि बीच में पड़ी हैं लंग्स, ठीक है, समझ आओगी। लंग्स पड़ी हैं और ये आपके पास एक बाल्टी है या बकेट, और ये आपके पास एक और बाल्टी है बकेट है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ठीक है। अब आप लोग मुझे खुद बताएं कि जो राइट साइड ऑफ द हार्ट है वो क्या करता है, वो भेजता है ब्लड टू द लंग्स और फिर लंग्स इसको ऑक्सीजनेट करके भेजती हैं लेफ़्ट साइड को, और फिर जो लेफ़्ट साइड है वो भेजती है बॉडी को, ठीक है। अब अगर आपका इन्फार्क्शन हो जाता है राइट साइड को, ठीक है, तो मतलब कि ये गई सप्लाई बंद हो गई, सप्लाई बंद हो गई इसका मतलब है सारा ब्लड इधर ही इधर का है, लंग्स को कुछ नहीं जा रहा, लंग्स को कुछ नहीं जा रहा, इसका मतलब है कि लंग्स में कोई सिम्टम्स नहीं होंगे, लंग्स बिल्कुल क्लियर होंगे, देर विल बी नो पल्मोनरी एडीमा, क्योंकि ब्लड नहीं आगे जा रहा, ये वाला रूट आपका ख़त्म हो गया है, इसकी वजह से पेशेंट हाइपोटेंशन में चला जाएगा, ठीक है, हाइपोटेंशन, ओके। तो इनको आपको देने हैं, पहला जो आपका ABC होता है, जो फर्स्ट ट्रीटमेंट जो आपने इनको बचाना है, आपने सबसे पहले इनको क्या करना है, आपने इनको IV फ्लूइड्स देने हैं। आप आइनोट्रोप्स भी दे सकते हैं इनका हार्ट रेट इंक्रीज़ करने के लिए, पर वो बाद में होगा, पहले आपने इनको फ्लूइड देना है, फ्लूइड देना है, IV सेलाइन देना है, ताकि इनका प्रीलोड बढ़ना शुरू हो और ये आगे वापस ये सर्किट हम वापस चालू कर लें, ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स। तो ये हो गया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि अगर आपका लेफ़्ट साइड का, अल्लाह ना करे आप लोगों का हो, लेकिन मतलब क्या वर्ड्स बोल रही हूँ, आई एम सॉरी। अच्छा, अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल लेफ़्ट साइड का हो जाता है इन्फार्क्ट, ठीक है, लेफ़्ट साइड का इन्फार्क्ट होगा तो लेफ़्ट साइड अपना काम नहीं कर सकेगा, वो बॉडी को नहीं ब्लड दे सकेगा, जब वो बॉडी को ब्लड नहीं दे सकेगा, ब्लड यहाँ पूल होना शुरू हो जाएगा, ये सर्किट चल रहा है, ठीक है, ये अपना काम कर रहे हैं, सारा कुछ इसको दे रहे हैं, पर ये आगे इसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, इसके पास ही हो रहा है, तो ये क्या होगा, बैकअप होना शुरू हो जाएगा, और बैकअप किधर होगा,
लंग्स के अंदर होगा. लंग्स में बैकअप होगा तो क्या होगा, पल्मोनरी एडीमा होगा. ठीक है, अब ये आप लोग समझ लें, समझ आ गई. आई मीन यही कॉन्सेप्ट है, यही आपने समझना है कि पल्मोनरी एडीमा किस में हो रहा है, हाइपोटेंशन किस में हो रही है, ये आपने चीज़ समझनी है. एंड ट्रीटमेंट भी हम इसी के बेसिस पे करेंगे. ठीक है, इस साइड के अगर लेफ़्ट वाला होगा तो यहाँ फ्लूड का बिल्डअप हो रहा है, तो आपने इधर फ्लूड रिस्ट्रिक्शन करनी है. इधर फ्लूड नहीं है तो इधर आपने फ्लूड रिससिटेशन करनी है. ठीक है, फ्लूड देना है, फ्लूड नहीं देना. ठीक है, बाकी जिसका बाद का ट्रीटमेंट है वो तो वैसे ही होगा, एंटी प्लेटलेट्स देने, बिकॉज कोरोनरी ब्लॉक हो गई है, तो वो सारा जो ट्रीटमेंट है वो वैसे ही रहेगा. बट बेसिकली ये कॉन्सेप्ट था, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा. अगर कोई क्वेश्चन है या कुछ है तो प्लीज़ पूछ लें. एंड इंशाल्लाह ये वीडियो इंग्लिश में भी मैं डालूँगी. ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब.